फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है नाउन। इससे पहले मैंने आर्टिकल्स के वीडियो कराए थे जिसमें आर्टिकल पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम थे, टोटल 40 प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन, प्रोनाउन, जितने भी चीज़ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कराया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नाउन को एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नाउन किसे कहते हैं और नाउन होता क्या है। तो चलिए नाउन सीखते हैं। कहता है, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जैसा कि हम लोग नाउन के बारे में सीख चुके हैं, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा हम लोग बचपन में भी सीख चुके हैं। तो आगे सीखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और इसका यूजेस कैसे है और कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ पे किस तरह के कॉमन। तो चलिए सीखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। जनरली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, मतलब नाउन कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। दूसरा आपके पास है कॉमन नाउन, जातिवाचक। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज भाववाचक संज्ञा। तो मैं इस वीडियो में एकदम ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें और मुझे मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपको नाउन के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो मैं एकदम ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। और धीरे धीरे अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा और जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम एरर्स के नाउन से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसा कि ये प्रॉपर जो वर्ड है, यानी डेट इज़ फॉर समथिंग पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो, यानी जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराया जाता है तो उस नाउन को, उस संज्ञा को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम गीता दिल्ली, यहाँ पे देखिए राम गीता दिल्ली। राम तो नेम हो गया, गीता भी नेम हो गया और दिल्ली भी एक प्लेस का नेम हो गया। तो यहाँ पे राम और गीता किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, पार्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रहा है और पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बात हो रहा है। जैसे लिखा हुआ है राम इज़ माय फ्रेंड, यानी राम मेरा दोस्त है। यानी मेरा कौन दोस्त है, राम है। यानी राम कोई पार्टिकुलर व्यक्ति है जो मेरा दोस्त है, यानी राम यहाँ पे प्रॉपर हो गया। दूसरी केस में है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली एक पार्टिकुलर जगह हो गया। जैसे आई लिव इन पटना, यहाँ पे हो गया कि पटना एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया। तो जब भी हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये सारे बेसिक चीज़ है, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे और बेसिक के बाद इसके रूल्स देखेंगे और किस तरह के कॉमन एरर और किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारा इस वीडियो में कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज कॉमन नाउन, सॉरी टाइप सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में एक खास वर्ग के बारे में अथवा जाति के खास वर्ग अथवा जाति या व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी जब किसी खास जाति का बोध कराया जाए, किसी वर्ग का बोध कराया जाए तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, अब राजा से हो गया पार्टिकुलर, जितने भी राजा होंगे वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें द मुगल एम्पायर, तो किसी खास मुगल के बारे में बात कर दें तो यहाँ पे हम लोग जब पार्टिकुलर का बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं, यानी जब हम किसी वर्ग के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एक्सेट्रा। अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन होते हैं या किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल। कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल हैं, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। कहता है लड़के के अनुसार जो सबसे नज़दीक वाला टाउन था वो बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे देखिए बॉय क्या हो गया, कॉमन हो गया कि जितने भी लड़के जाति का हो गया उससे बोध कराया गया द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार, और टाउन से उन सारे प्लेस का बोध हो गया। तो यहाँ पे बॉय और टाउन, ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन का बोध करवा रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, यानी वह लड़का है जो अपने पास के गांव में जा रहा है। तो यहाँ विलेज से सारे गांव का बोध कराया जा रहा है और बॉयज़ से सारे लड़के जाति का बोध कराया। तो कॉमन नाउंस में इसी तरह के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो अपनों को पढ़ना है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जब हम लोग किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कमिटी के बारे में करते हैं, जब किसी ट्रूप के बारे में करते हैं, यानी बड़े समुदाय के बारे में जब बात किया जाता है तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी में अगर आप चाहिएगा तो कह सकते हैं, जब किसी समूह का बोध होता है तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन्स का आप देखिए, कलेक्टिव नाउन्स चलिए हम लोग जैसे सीख चुके थे कि इसका इस्तेमाल जनरली कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ सिंगुलर में किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका प्लुरल में भी यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि जब भी आप प्लुरल में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इस एग्जांपल में प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। जब जब कोई भी सेंटेंस में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में या प्रत्येक मेंबर के बारे में कुछ कहा जाता हो तो उस केस में कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ हम लोग सिंगुलर की तरह भी प्लुरल की तरह भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पोस्चर। फ्लॉक मतलब क्या हो गया, ये कलेक्टिव हो रहा है, कलेक्टिव स्पेंड्स वो ज़्यादातर टाइम है, यहाँ पे स्पेंड्स है। तो ये देखिए फर्स्ट केस में आपको फ्लॉक हो गया, ये कलेक्टिव नाउन्स हो गया, ये ग्रुप के बारे में बताया था, और स्पेंड्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यानी इस मैटर पे जूरी ने अपना निर्णय डिसाइड किया। तो यहाँ पे जूरी क्या हो गया, जूरी मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया और इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल है द कमिटी मीट्स एवरी वीक्स, यानी कमिटी प्रत्येक वीक्स में मीटिंग करती है या मीट करती है। तो यहाँ पे कमिटी आपके लिए कलेक्टिव नाउन हो रहा है और दूसरा जो मीट्स वर्ड यूज़ किया गया है वो सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, कहता है कि टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप की इशू को, यानी कैप्टनशिप के मुद्दे से को लेकर टीम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया, यानी प्लुरल की तरह यूज़ किया गया है। तो इस केस में यहाँ पे जो प्लुरल के लिए इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर सदस्य यानी प्रत्येक सदस्यों के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर ई, तो अपने पास है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पे ऑडियंस आपको कलेक्टिव नाउन हो गया, यहाँ पे ऑडियंस से ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बोध किया जा रहा है, यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। और हैव जो यूज़ किया गया वो प्लुरल यूज़ किया गया है, कह रहा है कि जितने सारे दर्शक थे उसने अपने अपने सीट ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे पार्टिकुलर यानी प्रत्येक सदस्यों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ प्लुरल की तरह किया जा सकता है। तो इस वीडियो से आपको यही समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर केसेस में जब हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या खास सदस्यों के बारे में बात करते हैं या उन सदस्यों का बोध कराया जाता है तो ऐसे केसेस में इसका यूज़ प्लुरल की भी तरह किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है अपने पास, नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ का बोध हो और जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, यानी जब भी हम किसी पदार्थ के बारे में बात करते हैं यानी मटेरियल के बारे में बात करते हैं और उससे कोई और भी वस्तु बनाई जा सकती है तो ऐसे नाउन को, ऐसे संज्ञा को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, चांदी, सोना, आयरन, वुड एक्सेट्रा। तीन जैसे पहला एग्जांपल अपने पास है नेकलेस, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी नेकलेस गोल्ड का बना हुआ। यहाँ पे देखिए गोल्ड क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया, और नेकलेस कोई इक्विपमेंट्स हो गया, औजार हो गया, ठीक ना, आभूषण हो गया, ज्वेलरी बोलते हैं इसको। तो नेकलेस जो है वो किस चीज़ का बना हुआ था, गोल्ड का बना हुआ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हम लोग मटेरियल नाउन में पढ़ चुके हैं कि जब कोई पदार्थ, जब किसी पदार्थ का बोध होता है तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, और उस पदार्थ से अगर हम कोई दूसरा वस्तु बना सकते हैं तो जैसे गोल्ड से हम लोग नेकलेस बना सकते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी बना सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो कह रहा है द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है सी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, इसने एक चाय टी सेट खरीदा जो कि किस चीज़ का बना हुआ था, सिल्वर का बना हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड,
उसने एक फर्नीचर पाई, ठीक है, जो कि किस चीज़ का बना हुआ था, टीक की लकड़ी का बना हुआ था। तो वुड क्या है यहाँ पे, मटेरियल है, और वो जो फर्नीचर हुआ वो उससे बना हुआ है। यानी जब भी हम किसी मटेरियल से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं या उस मटेरियल से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो वैसे संज्ञाओं को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी मटेरियल नाउन के संज्ञा में उसे रखते हैं, श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हम किसी खास द्रव्य, गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन, इमोशन, एक्शन एंड स्टेट, देन इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जो ये जितने सारे चीज़ होते हैं, जो भी गुण, भाव, क्रिया, अवस्था होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता, यानी वी कांट टच दिस, ना ही हम इसे देख सकते हैं, बस हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, लोग उसकी सिंसियरिटी का आदर करते हैं। अब यहाँ सिंसियरिटी को फील नहीं किया, ये देखा नहीं जा सकता है या फिर उसको छुआ नहीं जा सकता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कहता है ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो ईमानदारी को लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बेसिक एग्जाम्पल थे, बेसिक थे। तो अब हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या अंतर है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, वैसी चीज़ें यानी वैसी संज्ञा जिसका गणना किया जा सकता है, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वी बॉट 6 टेबल, हम लोगों ने 6 टेबल खरीदा, यहाँ पे नंबर 6 आया हुआ है, यानी हम लोग टेबल की गिनती कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब होता है नथिंग, बट यहाँ पे अ फ्यू है मतलब कुछ फ्रेंड है, इक्का दुक्का फ्रेंड जो भी रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे काउंटेबल नाउन के पार्ट्स में आते हैं या काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ अपने पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है, स्टार्ट करो।